नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स भरना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आम लोगों के लिए ये पूरा प्रोसेस काफी जटिल है। हालांकि आयकर विभाग ने बीते एक दशक में टैक्स फाइलिंग के प्रोसेस को आसान बना दिया है, लेकिन फिर भी कई बार टैक्स पेयर से चूक हो जाती है। कुछ मामलों में ये चूक जानबूझकर होती है, लेकिन कई मामलों में ये नासमझी के कारण हो जाती है। इन गलतियों के लिए आपको आयकर विभाग का नोटिस मिलता है। ये नोटिस अक्सर टैक्स पेयर के ईमेल पर आते हैं, ऐसे में अक्सर लोग इन्हें देख ही नहीं पाते। वहीं टैक्स नोटिस देख भी लिया जाता है तो ये पता नहीं होता कि आगे क्या किया जाए। इन नोटिस में विभाग आदेश देता है कि आपने आईटीआर में जो गलती की है उसमें सुधार कर लें। अब इनकम टैक्स विभाग ने इसका हल निकाल लिया है। विभाग ने आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर एक नया अपडेट किया है। अब आपको इसमें ई प्रोसीडिंग टैब मिलेगा। पोर्टल का ये नया फंक्शन उन लोगों के लिए काफी मददगार है जिन्हें इनकम टैक्स विभाग से कई नोटिस प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि आखिर करना क्या है। अब इस नए फीचर से उन्हें डिपार्टमेंट की ओर से जारी सभी नोटिस, सूचना और लेटर एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही अब करदाता इसी पोर्टल पर ही नोटिस का जवाब देकर मामलों को एक ही जगह पर निपटा सकेंगे। अब जानते हैं कि ई फाइलिंग आयकर पोर्टल पर ये ई प्रोसीडिंग टैब आखिर है क्या, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो विशेषज्ञों के अनुसार अब इस बदलाव से करदाताओं को उनकी लंबित कर प्रोसीडिंग को देखने और खोजने में मदद मिलेगी। पहले ये जानकारी एक ही पेज पर उपलब्ध कराई गई थी, वहीं अब स्क्रॉलिंग की जरूरत को खत्म करने के लिए विभाग ने इन नोटिस के लिए अलग अलग पेज पेश किए हैं। इससे अब करदाता आसानी से पेज पर नेविगेट कर सकता है। इसके साथ ही पोर्टल पर नए फिल्टर भी पेश किए गए हैं, जिससे करदाता प्रोसीडिंग की मौजूदा स्थिति, मूल्यांकन वर्ष, प्रोसीडिंग की तिथि, नोटिस की तारीख आसानी से सर्च कर सकता है, जबकि पहले फिल्टर में सीमित ऑप्शन ही मिलते थे। अब जानते हैं कि आईटीआर ई फाइलिंग पोर्टल पर ई प्रोसीडिंग का टैब आपको कहां मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके आईटीआर ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप पेंडिंग एक्शन टैब पर जाएं और ई प्रोसीडिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपके पास कोई ई प्रोसीडिंग नहीं है तो ये जगह आपको खाली दिखाई देगी। अगर आपके पास कोई ई प्रोसीडिंग लंबित है तो उन सभी की जानकारी आपको लिस्ट कर दी जाएगी। उन पर सभी को फिल्टर आप कर सकते हैं और अपनी जरूरत के आधार पर कोई भी चुन सकते हैं। अब चलते चलते जान लेते हैं कि नोटिस का जवाब देना इतना जरूरी होता क्यों है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट गौतम वर्मा का कहना है कि आयकर नोटिस का मामला गंभीर हो सकता है, इसलिए आपको नोटिस के अनुसार कदम उठाना चाहिए। नोटिस को इग्नोर करना आपके लिए समस्याओं का सामना करने के लिए बड़ी समस्या बन सकता है।